हेलो क्लास्टन, देखिए मेटल और नॉन मेटल चल रहा था, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में हमने ये एक्सट्रैक्शन मेटलर्जम पढ़ रहे हैं कि हाउ वी एलिमिनेट या हाउ वी एक्सट्रैक्ट। एक्चुअली द एग्जैक्ट मीनिंग इज द एग्जैक्ट वर्ड इज एक्सट्रैक्ट। हाउ वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द ओर डिफ्रेंशिएट डिफरेंस टेक्निक्स आर यूज फॉर डिफरेंट मेटल्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी नेचर। ओके, तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था यहाँ तक कि जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनको कैसे करते हैं, ये वाला कि उनका पहले उसके उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे, देन अगेन हीट करके उसको क्या करेंगे, मेटल कन्वर्ट कर लेंगे मेटल में। ठीक है ना, यही था ये जो इसी रिएक्शन से सीधा, मतलब आप इस रिएक्शन को ध्यान में रखोगे तो बाकी सारी चीज़ें हीट करेंगी, व्हाट प्रेजेंस, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ऑक्साइड के बाद। अब नेक्स्ट है कि 3.4.4 एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटीज। लो हो गया, नाउ विल डिस्कस मिडल। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक एंड लेड, कॉपर और मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब ये हुआ कि ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है। दीज आर यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। ये ध्यान देने वाली है कि जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले हैं वो नॉर्मली नेचर में कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ इजियर टू ऑप्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है ना, ऑक्साइड से मेटल गेन करना हमारे लिए आसान होता है। जैसे अभी ऊपर वाले में, लो वाले में भी हमें क्या देखा था कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर उसको हीट करके या किसी और मेथड से हम उस कन्वर्ट कर ले रहे थे मेटल में ना। तो ऑक्साइड से मेटल निकालना इजी है ना, एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। अब देखिए लेकिन मेटल वाले तो सल्फाइड और कार्बोनेट में होते हैं, समझ रहे हो ना बात। हमने आपको ये बताया कि ऑक्साइड से मेटल निकालना, ऑक्साइड में अगर है वो मेटल ऑक्साइड है तो वहाँ से मेटल निकालना आसान होता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। इसलिए मेटल ऑक्साइड में उसको पहले कन्वर्ट किया था क्योंकि ऑक्साइड से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बिकॉज वी सा इन अर्लियर टू मतलब किसमें, लो वाले में, कि ऑक्साइड से हम कन्वर्ट कर, द सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ओके, द सल्फाइड्स ओर्स आर कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड्स बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे सल्फाइड को, एक्सेस एयर के प्रेजेंस में खूब ज़्यादा हीट करेंगे। ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। अब ये क्वेश्चन सीधा पूछ दिया था आपसे, वाट इज रोस्टिंग, डिफाइन रोस्टिंग, किस कन्वर्जन के लिए रोस्टिंग प्रयोग होता है, तो सल्फाइड से ऑक्साइड के। द कार्बोनेट्स और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो सल्फाइड को अगर ऑक्साइड में चेंज करना है तो एक्सेस एयर चाहिए, लेकिन अगर कार्बोनेट को एयर में चेंज करना है तो लिमिटेड एयर चाहिए। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कार्बोनेट CO3 2- होता है और सल्फाइड S2- या 3- जो है, जो भी है S2- ही होता है। ठीक है ना, कार्बोनेट CO3 2- है, सल्फाइड S2- है। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप, मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं, अभी मेरे ध्यान में आया, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कुछ है इसलिए आप, या हो सकता है ऐसा कुछ हो भी, ये मुझे मेरे ध्यान में आया। ऐसे आप याद रख लो कि कार्बोनेट में ऑक्सीजन है तो इसको एक्सेस एयर की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सल्फाइड में केवल ऐसे तो इसको एक्सेस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ खास मतलब एकदम रूल नहीं है, ये मेरे दिमाग में अभी है इसलिए मैंने बता दिया, ऐसे याद रख सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो ये दो प्रोसेस हमने देखा कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होती है। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट सल्फाइड इनटू ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड दोनों में बनना है, रोस्टिंग में सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करते हैं एंड कैल्सिनेशन में कार्बोनेट को। ओके, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर कैन बी शोन एज फॉलोज। एक एग्जांपल ले लिया गया है किसी एक ओर का, क्योंकि ओर रहेगा तभी तो ऑक्साइड और सल्फाइड या कार्बोनेट सल्फाइड या ऑक्साइड का डिफरेंस पता चलेगा।
तो एक एग्जांपल है जैसे एक और, तो जिंक सल्फाइड का रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ये सूख कर रहे हैं, बात समझ में आई ना। तो अब लो रिएक्टिविटी सीरीज में, सॉरी लोड कर रहा हूँ, मिडिल वाले में क्या है कि मैक्सिमम सल्फाइड और कार्बोनेट में होते, तो सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे, देन वी विल एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड और। ओके देखिए, अब पहले जिंक सल्फाइड जो ओर है, ये ओर है, जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड बन गया ना। देखिए सल्फाइड से क्या हुआ, ऑक्साइड बना तो रोस्टिंग हो गई, और एक्सेस हीट में किया तो क्या हुआ, एक्सेस हीट में किया तो क्या हुआ, रोस्टिंग हुआ। और वही कैल्सिनेशन क्या है, हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन दिखाया गया था, यहाँ कुछ नहीं, सीधे इसको हीट किया जा रहा है इन द लिमिटेड या एब्सेंस भी कह सकते हो, तो भी जिंक ऑक्साइड बन रहा है। देख लीजिए आप, दोनों केस में जिंक ऑक्साइड ही बन रहा है, लेकिन ये एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, ये एब्सेंस या बहुत लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हीट हम करते हैं तो दिस विल फॉर्म व्हाट, ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल। यहाँ जिंक है तो जिंक ऑक्साइड दोनों जगह बना, कुछ और होता तो कुछ और बनता, बात समझ में आ रही ना। द मेटल ऑक्साइड आर देन, अब मेटल ऑक्साइड बन गया जिंक ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड, द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाई यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। फॉर एग्जाम्पल वेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, इट इज रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक। जो मेटल ऑक्साइड है अब उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट, जब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि ये खुद जो है ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे बगल वाले को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब तो यही होता है, तो वही इसने किया। अभी देखिए ध्यान से, कार्बन है, खुद प्रोडक्ट में देखो क्या आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो ऑक्सीजन इससे ऐड हो गया ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि अपने एडजेसेंट वाले को रिड्यूस कर रहा है। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल के जिंक को अकेला छोड़ दिया इसने और ऑक्सीजन खुद ले लिया, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इस तरह से हमें देखो जिंक मेटल मिल गया। तो ये एक्सट्रैक्शन का एक मेथड है इन द व्हाट, मिडिल एक्टिविटी में। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हमने बताया था आपको, एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो ए रिडक्शन प्रोसेस। ये क्या, कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन हो रहा है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग मेटल। ओके सॉरी, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन to reduce metal oxide to metals, sometimes displacement reaction can also be used. देखिए हम डायरेक्ट जो है रिडक्शन का प्रयोग ना करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, देखिए ये तो आपको पता है, द हाईली रिएक्टिव, वही वाला आ गया, द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एक्सेट्रा आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल वेन मैगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर द फॉल। देखिए अब MnO2 मेटल ऑक्साइड बन चुका है, यहाँ के पहले वाले शेप इसने दिया है, क्योंकि मान लिया है कि मेटल ऑक्साइड बन गया किस तरीके से, एक्सेस में या जैसे भी, ठीक है, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से। अब क्या किया, इस मैगनीज से ज़्यादा मेटल वाला, ज़्यादा एक्टिव मेटल को, रिएक्टिव मेटल को हमने रिएक्ट करा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। देखिए एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम ने क्या किया, मैग्नीज को हटा के खुद ऑक्साइड अपना बना लिया और मैग्नीज को अलग छोड़ दिया, या इसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप, क्योंकि वही चीज़ यहाँ भी हो रही है, ठीक है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेपरेटली बोला जा रहा है इसको, बात समझ में आ रही बेटा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। और हीट भी इसमें निकलेगी, तो हीट देखो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस पॉसिबली हर जगह हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, इसमें कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, वही हमने बोला ना, एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलेगी प्रोडक्ट में, अगर हीट लिखा गया तो इट इज़ एक्सोथर्मिक, मतलब रिएक्शन के बाद हीट निकल रही है, अगर रिएक्टेंट में हीट लिखा जाता है तो यानी कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, यहाँ लिखा नहीं मैं बता रहा हूँ, यानी कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, यानी कि इस रिएक्शन को कराने के लिए ही हमें हीट देने पड़ेगी, ठीक है ना। और एक्सोथर्मिक का मतलब रिएक्शन हम करा रहे हैं लेकिन इसमें हीट बहुत निकल रही है रिएक्शन के बाद, ठीक है ना। हाईली कहाँ तक था बेटा, हाँ एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट, इतना ज़्यादा हीट निकलता है ना कि जो मेटल निकलता है यहाँ वो मोल्टन फॉर्म है, मोल्टन मतलब सेमी सॉलिड कह लो आप। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड या फिर Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स आर क्रैक्ड मशीन पार्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। देखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये
आपसे भी पूछा था कि राइट द रिएक्शन, ये रेलवे वाला दे देगा ऐसे, या थर्माइट रिएक्शन किसको बोलता है, गिव एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट आप, है ना। क्या करते हैं लोहे को मतलब मोल्टिन फॉर्म में करने के लिए, हम करते क्या, देखो उसका ऑक्साइड होता है आयरन का, आयरन ही तो यहाँ जोड़ा जाता है बेटा, देखिए। तो फिर इसको क्या करते हैं, एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना। तो आयरन जुड़ता जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और हीट इतनी ज़्यादा होगी कि ये जो आयरन मिलेगा ये मोल्टेन फॉर्म में मिलेगा, पिघला हुआ हल्का सा, तो पिघला हुआ मिलेगा, जोड़ते हुए वो चले जाते हैं, बात समझ में आ रही है ना, जहाँ जहाँ क्रैक होता है, बात समझ में आई। तो ये एप्लीकेशन है, प्लीज़ नोट थर्माइट रिएक्शन, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, और ये आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, तो इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, प्लीज़ इसको नोट करिए, दिस इज टू इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस व्हाट ये एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, टॉप वाला करेंगे, टॉप वाले और ठीक है, टॉप मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर कोरोजन, जंग लगती है जो, वो क्या होता है, कैसे होता है, मॉइस्चर और लाइट के प्रेजेंस में कैसे, ठीक है ना। फिर उससे प्रिवेंशन कैसे करते हैं ये करेंगे, और उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद करेंगे क्या, टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। चार चैप्टर फिनिश हो गया, एक पीरियडिक क्लासिफिकेशन बचा है, वो हम विल स्टार्ट आफ्टर ऑटम ब्रेक आई विल, मुझे लगता है, या ऑटम ब्रेक में भी शुरू कर सकते हैं, देखते हैं, लेकिन वो उसके बाद ही शुरू करेंगे। अभी इस ये ख़त्म होने के बाद इन चार चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे हम, ठीक है, फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछिए, थैंक यू।